शामगढ़ शिवसेना द्वारा भूमाफियाओं के खिलाफ किया गया धरना प्रदर्शन। भाजपा के नेता तथा कार्यकर्ताओं को बताया भूमाफिया, कहा सभी लिप्त हैं। मंदसौर जिले के शामगढ़ नगर में आज शुक्रवार शिव हनुमान मंदिर के समीप गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रारंभ में अवैध अतिक्रमण व भूमाफियाओं के खिलाफ शिवसेना के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं द्वारा अनिश्चितकालीन धरना दिया गया। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत पुरावन में शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 1024 जो कि पश्चिम दिशा में स्थित है, पर अनिल पिता रामचंद्र कोटवाल जाति खाती निवासी गरोड़ द्वारा 2 वर्ष पूर्व बाउंड्री वाल का निर्माण कर रखा है जो किसी अवैध है, उसी को लेकर के यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन की चेतावनी देने पर एवं धरने पर बैठने पर तहसीलदार शामगढ़ द्वारा मौका मुआयना कर शासकीय बोर्ड लगाया गया, परंतु इसके बावजूद भी शिवसेना के अधिकारी व कार्यकर्ताओं इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि जब तक बाउंड्री वाल नहीं तोड़ी जाती एवं खाई नहीं लगाई जाती है तब तक यह धरना जारी रहेगा। इस अवसर पर शिवसेना के शांतिलाल पाटीदार, संभाग महासचिव अशोक शर्मा, संभाग संगठन प्रमुख कमलेश राजगुरु, जिला प्रमुख राजेंद्र गोस्वामी, जिला प्रभारी विनोद खुशवा, जिला प्रमुख आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शामगढ़ संवाददाता संजय चौहान की रिपोर्ट। यहाँ पर अपने शामगढ़ तहसील के ग्राम कुरावन में सर्वे नंबर 1024 की जो भूमि है 40 सारी, उस पर अवैध अतिक्रमण कर और निजी स्वार्थ के लिए अपने उपयोग में लेकर सबको भ्रमित किया जा रहा है। प्रशासन को भी हमने पहले अवगत कराया लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई, इसको लेकर हमने धरना आंदोलन किया है और ये आगे भी जारी रहेगा। किसके द्वारा किया गया है अपराध? ये कुछ बीजेपी के जो सत्ता पक्ष के नेता हैं इनके और इनके चहेतों द्वारा किया जा रहा है। किन्हीं किस नाम बताइए? नाम तो अभी नहीं बता पाएंगे, पूरी तरह कंफर्म नहीं है। पटवारी रिपोर्ट में है उसके नाम वगैरह, और पंचनामा भी बनाया गया है, 40 सारी अवैध भूमि पर कब्जा भी दर्शाया गया है। क्या नाम है? शिवसेना द्वारा आज जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है वो भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें कई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नेता व भूमाफिया द्वारा अतिक्रमण किया गया। सर्वे नंबर 1024 पर कहाँ की जमीन है? पुरावन गांव की जमीन है, जिसमें पटवारी रिपोर्ट में अनिल कोटवार का नाम दर्शाया गया है जिसके द्वारा अतिक्रमण किया पाया गया है। वह नाम प्रस्तुत किया तो हम चाहते हैं कि वह अतिक्रमण मुक्त हो, यही निवेदन है।